सलमान खान और इरफान खान ने एक साथ कभी फिल्म नहीं की, लेकिन इन दोनों ही सितारों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद फैंस को नहीं मालूम होगा। कटरीना और इरफान खान का कनेक्शन भी बेहद मजेदार है। इस वीडियो में आपको इरफान खान के सलमान खान से रिश्ते और कटरीना कैफ से उनकी बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। 53 साल की उम्र में न्यूरो एंड्रोकाइन ट्यूमर की वजह से दुनिया छोड़ने वाले इरफान खान सलमान खान की ही उम्र के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सलमान खान के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर नहीं की। अब इसे दुर्भाग्य कहिए या ऐसी स्क्रिप्ट की कमी कि दोनों ही बड़े स्टार्स ने एक साथ फिल्म नहीं की। हालांकि इनके बीच एक नाता ऐसा जरूर है जो चौंकाने वाला है। दरअसल इरफान खान के दो भाई हैं, इनमें से एक का नाम है सलमान खान और ये जयपुर में रहते हैं। इरफान खान जब भी सुपरस्टार सलमान खान से मिलते थे तो उन्हें अपने भाई का नाम याद आने लगता था। सलमान खान ने भी जब इसे सुना तो हैरान रह गए थे, हालांकि वो मुस्कुराकर रह गए। बताया जाता है कि इरफान के भाई सलमान खान नगीने का बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बिजनेस के बाद भी उनकी माली हालत ठीक नहीं है। हालांकि दबंग खान को मैज इरफान के भाई का ये नाम होने की खबर है, उनके बिजनेस की जानकारी नहीं। इरफान खान के निधन के बाद सलमान खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सलमान ने एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा, फिल्म इंडस्ट्री उनके फैंस और खासकर उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा दिल उनके परिवार के लिए दुखी है। ऊपर वाला उन्हें शक्ति दे, आपकी आत्मा को शांति मिले भाई। आप हमेशा याद किए जाओगे और हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। सलमान भले ही इरफान के साथ फिल्म नहीं कर पाए, लेकिन कटरीना कैफ ने उनके साथ एक फिल्म की है और इस फिल्म का नाम है न्यूयॉर्क। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में कटरीना और इरफान के अलावा जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश भी थे। कटरीना कैफ ने इसी फिल्म के बहाने इरफान खान को याद किया। ये वही फिल्म है जो सलमान से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ की पहली फिल्म थी। सलमान खान अपसेट थे और कटरीना कैफ तब फिल्म इंडस्ट्री में सलमान के बगैर खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म से सलमान खान और कटरीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल सलमान खान को किसी करीबी ने खबर दी थी कि कटरीना और जॉन अब्राहम के बीच करीबियां आ गई हैं। शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम के साथ बढ़ती कैट की नजदीकियों ने सलमान को आग बबूला कर दिया था। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने इसके बाद जॉन अब्राहम से दुश्मनी बढ़ा ली। न्यूयॉर्क फिल्म की यही टसल आगे भी देखने को मिली। जॉन अब्राहम सलमान खान की उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। खैर, वक्त के साथ ये यादें धूमिल हो गई, लेकिन इरफान खान की दुनिया छोड़ते ही हर किसी को उनकी याद आई। सलमान खान ने फिल्म नहीं करने के बाद भी उन्हें अपने तरीके से याद किया और कटरीना कैफ ने भी अपने सीनियर को इस स्टार को श्रद्धांजलि दी। मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज निकाली थी तो आपने मुझे फोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। इरफान दोस्तों, आप इरफान खान की एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं? उनका कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा दमदार और इम्प्रेसिव लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।